दोस्तों ये वीडियो होने वाली है आपकी बीयर्ड ग्रोथ के ऊपर। अगर आप एक अच्छी बीयर्ड उगाना चाहते हो, फिर चाहे आपके पैची बीयर्ड है या चाहे आपके बीयर्ड की ग्रोथ स्टार्ट ही नहीं हुई है, आप घर बैठे हुए एक अच्छी बीयर्ड उगा सकते हो, क्योंकि दोस्तों आज की डेट में बीयर्ड ग्रोथ पॉसिबल है। और इस वीडियो में मैं आपको बीयर्ड ग्रोथ का जो तरीका बताने वाला हूँ, उसमें ना तो आपका ज्यादा पैसा खर्च होगा, पर ना ही आपको हेयर ट्रांसप्लांट करने की जरूरत पड़ेगी। तो अगर आप ऑलरेडी बीयर्ड ऑयल्स को यूज कर चुके हो, तो अब बारी है कुछ नया ट्राई करने की। और जो मैं आपको तरीका बताने वाला हूं, वो है यूज ऑफ मिनोक्सीडिल। क्योंकि दोस्तों मिनोक्सीडिल एकमात्र ऐसी चीज है जो कि नए बालों को ग्रो करने में काफी फास्ट रिजल्ट्स शो करती है। और इस वीडियो में आपको मिनोक्सीडिल के बारे में सारा कुछ बताया जाएगा कि मिनोक्सीडिल क्या चीज है, कैसे इसको यूज करना है, कितने दिन यूज करने के बाद आपको इससे रिजल्ट्स मिलेंगे, और वीडियो के एंड पार्ट में आपके लिए एक बेस्ट मिनोक्सीडिल सजेस्ट की जाएगी। तो रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखना। तो आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और दोस्तों अगर आपको मेरी लंबी वीडियोस देखना पसंद नहीं है, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वहां पे आपको ये सारी वीडियोस रील्स की फॉर्म में मिल जाएगी, जिससे आपका टाइम भी सेव होगा और आपको शॉर्ट में प्रोडक्ट की सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का यूजर नेम और इस चैनल का नेम बिल्कुल सेम है, जो कि है @QualityMantra। दोस्तों सबसे पहले हम जानते हैं कि ये मिनोक्सीडिल क्या चीज है, क्योंकि काफी लोगों को मिनोक्सीडिल के बारे में पूरा नहीं पता। तो अगर मैं सिंपल भाषा में आपको बताऊं, तो मिनोक्सीडिल एक ऐसी जादू की छड़ी है जो कि जैसी स्किन के अंदर जाती है ना, तो एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करती है जो कि नए बालों को उगने के लिए परफेक्ट होता है। मतलब नए बाल जो है वो उगना स्टार्ट हो जाते हैं अगर आप मिनोक्सीडिल को रेगुलर यूज करते हो, तो जो हेयर रीग्रोथ है वो पॉसिबल है विद द यूज ऑफ मिनोक्सीडिल। अब दोस्तों बात आती है कि क्या हम मिनोक्सीडिल को सिर्फ बीड पे ही यूज कर सकते हैं, या फिर हम इसे सर के बालों में भी यूज कर सकते हैं। तो देखिए, अगर आपके बीड में ज्यादा पैचेस हैं या फिर आपकी बीड की ग्रोथ रुकी हुई है, तो उस केस में तो आप इसका यूज कर ही सकते हैं। अगर आपके सर के बाल जो है वो जड़ गए हैं, जैसे जैसे एजिंग होती है, हमारे सर के जो बीच वाला एरिया है ना, उस एरिया के बाल उड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, तो आप उस पार्ट पे मिनोक्सीडिल का यूज कर सकते हैं बालों को वापस लाने के लिए। इवन अगर आपकी हेयर लाइन ज्यादा पीछे चली गई है, उस केस में भी आप मिनोक्सीडिल का यूज कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये जो मिनोक्सीडिल है काफी काम की चीज है। अब दोस्तों बात आती है कि क्या हर कोई पर्सन मिनोक्सीडिल का यूज कर सकता है। देखिए ऐसा नहीं है, इसका यूज करने के लिए आपकी जो एज है वो कम से कम 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। और ऐसा भी नहीं है कि आपने इसे मार्केट से परचेज किया और सीधा यूज करने लग गए, क्योंकि दोस्तों ये बेसिकली काफी तगड़ी चीज है और आपके जो बाकी हेयर प्रोडक्ट्स हैं ना, उससे तो ये काफी ज्यादा अलग है। तो अगर आपने मिनोक्सीडिल का यूज करना है, बेस्ट रहेगा कि आप पहले अगर डॉक्टर की एडवाइस ले लें, क्योंकि अगर आपका डॉक्टर सजेस्ट करेगा उसके बाद ही आपने मिनोक्सीडिल का यूज करना है। डॉक्टर की एडवाइस ना लिए बिना आपने सीधा इसका यूज नहीं करने लग जाना। अब दोस्तों अगली बात ये आती है कि मिनोक्सीडिल को हमें कितने दिन यूज करना होगा, मतलब कितने दिन यूज करने के बाद हेयर ग्रोथ दिखना स्टार्ट हो जाएगी। तो देखिए, जो हेयर ग्रोथ की प्रोसेस है ना, उसमें काफी टाइम लगता है। इसके लिए आपको काफी पेशेंस रखनी होगी। ऐसा नहीं है कि इसको आपने एक हफ्ता यूज किया, दो हफ्ते यूज किए और आपको रिजल्ट्स दिखने लग जाएंगे। आपको मिनोक्सीडिल को कम से कम 2.5 से 3 महीने रेगुलर यूज करना होगा, उसके बाद ही आपको हेयर ग्रोथ होती दिखेगी। और दोस्तों कुछ केसेस में मिनोक्सीडिल का इफेक्ट काफी फास्ट होता है, और कुछ केसेस में मिनोक्सीडिल धीरे धीरे इफेक्ट शो करती है। जैसे कि कुछ केसेस में तो इसका यूज करने से पहले हेयर फॉल होने लग जाता है, उसके कुछ टाइम बाद हेयर ग्रोथ होती है। तो मिनोक्सीडिल का जो इफेक्ट है वो वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। आपको जस्ट इसको सही तरीके से यूज करना है और पेशेंस रखनी है, इसका जो इफेक्ट है वो आपको जरूर दिख जाएगा। अब दोस्तों अगर आप अपनी बीयर्ड ग्रोथ करना चाहते हो और उसके लिए आप एक अच्छी मिनोक्सीडिल ढूंढ रहे हो, तो मैं जो आपको मिनोक्सीडिल सजेस्ट कर रहा हूं वो है ये मार्स बाय जीएससी की मिनोक्सीडिल। दोस्तों काफी बातें हैं जो मुझे इस मिनोक्सीडिल की अच्छी लगी। पहली बात तो ये कि इसमें इन्होंने अल्कोहल का यूज बिल्कुल भी नहीं किया, और आपको पता है कि अल्कोहल जो है बालों के लिए कितनी ज्यादा हार्मफुल होती है, तो इसमें इन्होंने अल्कोहल का यूज नहीं किया गया। इसकी अगली बात है कि ये क्लिनिकली टेस्टेड है। काफी सारी मिनोक्सीडिल मार्केट में ऐसी भी हैं जो कि प्रॉपरली टेस्टेड नहीं है, तो मिनोक्सीडिल खरीदने से पहले आपने चेक जरूर कर लेना है कि क्या वो क्लिनिकली टेस्टेड है या फिर नहीं, और जो टेस्टेड होगी उसी को ही आपने परचेज करना है। इसकी अगली बात मेरे को ये अच्छी लगी कि इसके साथ आपको ड्रॉपर भी मिल रहा है और आपको इसके साथ स्प्रेयर भी मिल रहा है, तो आप चाहो तो इसे ड्रॉपर के साथ भी यूज कर सकते हो और चाहो तो स्प्रेयर के साथ भी यूज कर सकते हो। लेकिन यूज कैसे करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इसे यूज करने का प्रोसेस भी मैं आपको बता देता हूं। तो अगर आप इसे ड्रॉपर के साथ यूज कर रहे हो, सबसे पहले अपने ड्रॉपर को इस बॉटल के अंदर डिप करके 1 ml तक फिल कर लेना है। उसके बाद आपने इसे उस एरिया पे यूज करना है जहां पे आपकी बीयर्ड की ग्रोथ नहीं हो रही, या फिर जहां पे आप बालों को उगाना चाहते हो। उसके बाद आपने अपनी फिंगर टिप्स की मदद से हल्की हल्की मसाज करना स्टार्ट कर देनी है,
और आप देखोगे कि जो मिनोक्सिडिल है काफी जल्दी आपकी स्किन के अंदर अब्सॉर्ब होने लग जाएगी और इसे अपने वैसे ही छोड़ देना है। कुछ घंटों बाद अपने शैम्पू का यूज करना है और इसे रिमूव कर देना है। अगर आप इसे स्प्रेयर के साथ यूज कर रहे हो तो आपने इसके 5 पंप्स यूज करने हैं, फिर मिला के इसका 1 ml बनेगा, क्योंकि एक टाइम की जो इसकी डोज है वो है 1 ml। और ये वाली जो मिनोक्सिडिल है स्पेशली बियर्ड के लिए डिजाइन की गई है और इसकी पैकेजिंग पर भी लिखा है बियर्ड रीग्रोथ ट्रीटमेंट। और दोस्तों एक और बात जो मुझे इसकी अच्छी लगी है कि इन्होंने अपनी पैकेजिंग पर ही अपना कस्टमर केयर नंबर दे दिया है। अगर आपके मन में कोई भी डाउट हो या आपने कोई बालों को लेकर कंसल्टेशन लेनी हो तो आप कभी भी इस नंबर पे कॉल करके कंसल्टेशन ले सकते हो, वो भी विदाउट एनी चार्ज, मतलब ये जो सर्विस है फ्री ऑफ कॉस्ट है। चलिए दोस्तों देखते हैं इस मिनोक्सिडिल के प्राइस को। तो इसकी क्वांटिटी होती है 60 ml की और अगर आप इसका 1 ml डेली यूज करते हो तो आपके ये 2 महीने चल जाएगी। और यहाँ पे जो इसका MRP प्राइस लिस्टेड है वो है 799 rupees। और अगर मैं इसे कंपेयर करूँ बाकी ब्रांड्स की मिनोक्सिडिल के साथ तो इसका जो प्राइस है वो ज्यादा हाई नहीं है, मतलब जो प्राइस है वो ठीक ठाक ही रखा गया है। और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स दिए रहेंगे, अगर आप उन लिंक्स की मदद से इसे खरीदोगे तो आपको और ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करना, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों इस वीडियो को ना अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि वो लोग भी मिनोक्सिडिल के बारे में जान सके। दोस्तों जल्दी मिलेंगे एक और नए प्रोडक्ट रिव्यू के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।